आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। पंचायत चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में नालंदा एसपी हरि प्रसाद एस द्वारा क्राइम मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के दौरान एसपी ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना। साथ ही उन्होंने कहा कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, शराब के विरुद्ध अभियान, जो अपराधी बेल पर हैं उन पर नजर रखना। उन्होंने बताया कि साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर CCA लगाने की कार्रवाई की जा रही है और सभी कार्यों को तेजी लाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारा पंचायत चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। मीटिंग के दौरान कांडों का सा समय निष्पादन नहीं कराए जाने पर 3 थानेदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया। क्राइम मीटिंग के पूर्व पुलिस के साथ उन्होंने बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर ASP अभियान सदर DSP डॉक्टर शिबी नुमानी, विधि व्यवस्था DSP संजय कुमार, मुख्यालय DSP ममता कुमारी, राजगीर DSP सोमनाथ, हिलसा DSP मुरारी प्रसाद के अलावे जिले के सभी थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे। पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और हम लोग चरण वाइज इसका समीक्षा भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सारी प्रक्रिया जारी है और इसके लिए जो है सभी सरकार के सभी अंग बहुत कोऑपरेशन से यहाँ काम कर रहे हैं। सारी तरह का जो है कार्रवाई, बहुत सारी निर्देश है, चुनाव के प्रिपरेशन में जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं। खास करके जो है वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और शराब की जो है विरुद्ध अभियान और चिन्हित जो है अपराधी बेल से जो बाहर है उन लोगों की जो है निगरानी और उन लोगों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई हो या 110 की कार्रवाई हो, वो सभी कार्रवाई में तेजी लाई गई और उम्मीद है कि जो हम लोगों को चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताजा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।